इस वीडियो के अंदर 2x2 डबल चार्ज टाइल्स और उसके बाद में जो किचन प्लेटफॉर्म रहता है उसका दोनों का डिज़ाइन देखने को मिलेगा, और साथ ही में इसका प्राइस का भी बात करेंगे, क्या प्राइस में मिलती है और जो फिटिंग क्या चार्ज में गिरता है इसका, वो भी देखने को मिलेगा। इसमें सबसे पहले किचन का ही डिज़ाइन देखते हैं। नीचे फ्लोरिंग में इसमें डबल चार्ज टाइल्स लगी हुई है 2x2 जो वाइट कलर में आती है, ट्रोपिकाना वाइट नाम रहता है इनका, और इसके अंदर साइड से स्कर्टिंग लगा रखा है 4 इंच का, और उसका बाद में इसमें नीचे ओटली बना रखी है कंप्लीट किचन के नीचे वही टाइल की, और नीचे इसके अंदर ग्रेनाइट की पट्टी दी हुई है जो राइजर के अंदर दी हुई है, वो ब्लैक पल जो ग्रेनाइट आता है उसी का ये पट्टी दिया हुआ है इसके अंदर पूरा कंप्लीट। इसके अंदर 3-4 प्रकार की टाइल्स आती है डबल चार्ज के अंदर, जो अलग अलग कलर्स के अंदर आती है, जिसकी प्राइस एक ही सेम ही रहती है, और इसके अंदर सिंगल चार्ज और डबल चार्ज टाइल्स रहती है टोटल दोनों भी, और 32x32 और 2x2 दोनों भी रहती है। छोटे रूम के हिसाब से 2x2 सेफ सही रहती है, इसके अंदर अभी छोटा रूम है तो उसके हिसाब से इसमें 2x2 का लगाया कंप्लीट। और उसके बाद में अभी साइड पत्थर की डिज़ाइन देखते हैं। इसके अंदर एक साइड पत्थर लगे हुआ है कंप्लीट, जिसके अंदर फुल राउंड मोल्डिंग करके इसमें मार्बल की रेडीमेड पट्टी आती है वो दी हुई है। सबसे पहले ये साइड पत्थर की डिज़ाइन देखते हैं। इसके अंदर ये साइड पत्थर की डिज़ाइन है, इसके अंदर थोड़ा सा 3-4 प्रकार का कलर मिक्स करके जो 2 सूत की डिज़ाइन पट्टी है वो इसके अंदर फिटिंग की हुई है, और ब्लैक पल ग्रेनाइट है कंप्लीट, जो 80 से 90 रुपये के आसपास मिल जाता है। ये जो लाइन पॉलिश का मटेरियल रहता है वो आपको कम से कम भी 120 रुपये से 110 रुपये के आसपास मिलेगा, और इसके अंदर डिजिटल जो टाइल्स की पट्टी आती है 2 इंच की वो ली हुई है, और ये साइड पत्थर की डिज़ाइन इसके अंदर पूरी कंप्लीट। पहले अभी इसका साफ सफाई बाकी है इसीलिए थोड़ा सा क्लियर ही दिख रहा नहीं है, एसिड वाश का काम अभी थोड़ा सा बाकी है इसका इसीलिए क्लियर दिख रहा नहीं, इसके ऊपर पूरा धूल लगे हुआ है तो इसीलिए क्लियर थोड़ा दिख रहा नहीं है। ये भी इसका पूरा मोल्डिंग करके फिटिंग किया हुआ है कंप्लीट, इसका राउंड लिया हुआ है, 2 राउंड लिए हुए हैं इसमें, और ऊपर इसमें वॉल टाइल देख सकते हैं 12 इंच व 18 इंच की, जिसके अंदर बीच में हाईलाइटर लिए हुए हैं कुछ कुछ जगह इसके अंदर। ये पूरा ऊपर जो छज्जा रहता है छज्जे की लेवल से ये पूरी टाइल लगाई हुई है इसके अंदर, और बीच में इसमें देख सकते हैं हाईलाइटर है। इसके अंदर रेडीमेड हाईलाइटर भी आते हैं जो कांच के आते हैं वो भी लगा सकते हैं अभी इसके अंदर, ये टाइल के साथ के जो हाईलाइटर है वो इसमें लगाए हुए हैं, और ये टाइल्स आपको आसानी से 230 से 250 रुपये के आसपास ये बॉक्स मिल जाता है, जिसके अंदर 9 से 9.5 फुट काम होता है, और एक विंडो है इसके अंदर जो 4.5x2.5 का विंडो है कंप्लीट। इसके अंदर ग्रिल भी फिटिंग है, पूरा ग्रिल का भी एक आइडिया ले सकते हैं इसके अंदर। ये ग्रेनाइट की विंडो बनने के बाद में ये ग्रिल फिटिंग होती है, देख सकते हैं इसका पूरा फिटिंग चार्ज जो रहेगा इसका कम से कम 500 से 600 रुपये इसका चार्ज रहता है एक फिट ग्रिल फिटिंग का, जिसके अंदर 4 होल और ग्रिल फिटिंग आ जाती है पूरी कंप्लीट, और इसका अलग अलग साइज़ के हिसाब से इसके बिट आते हैं, वो बिट से इसका होल निकाला जाता है पूरा कंप्लीट, और ये यू टाइप में पूरा कंप्लीट इसका टाइल्स का डिज़ाइन देख सकते हैं। इधर इसमें एक हाईलाइटर है और एक हाईलाइटर इधर की दीवार में लिया हुआ है कंप्लीट इसमें, और इसके अंदर जो एक साइड से दीवार रहती है तो उसका एक आइडिया ले सकते हैं इससे, जैसे ये देख सकते हैं अभी इसमें साइड पत्थर लगाया हुआ है, नीचे इसमें पूरा टाइल लगाया हुआ है, और ये दीवार आ गई थी एक साइड से, तो देख सकते हैं इसका पूरा मैच किया हुआ है पूरा पट्टा। अभी नीचे अगर इसके में अंदर ट्रॉली बन जाएगी तो पूरा सेम ऐसा ही साइड पत्थर दिखेगा ये कम्प्लीट। ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, ऐसा बना के फिटिंग कर सकते हैं, दोनों साइड से सेम साइड पत्थर की डिज़ाइन दिखती है इसके अंदर, पूरा ऊपर टाइल लग गया है इसके अंदर, और हाफ राउंड मोल्डिंग हो गया इसको इधर से, लेकिन ये सिंगल दिखेगा और उधर से डबल दिखेगा, इसको डबल भी दिखा सकते हैं, उससे थोड़ा सा बाहर आ जाएंगे ये दीवार से, और टाइल के नीचे इसके अंदर देख सकते हैं 3 इंच की पट्टी लगा रखी है, बहुत से किचन ओटे के अंदर नीचे पट्टी लगाते नहीं है कुछ कुछ जगह पे, ये सेफ्टी होती है इसके अंदर अगर ऐसी पट्टी लगाते हैं अपन 3 इंच की, तो जिससे टाइल के कोने टूटने का चांस कम रहता है और सफाई में भी अच्छी रहती है। यहाँ पे कोने में देख सकते हैं इसमें पाइप का होल निकाल रखा है, जो गैस का सिलेंडर का पाइप होता है उसका होल निकाला हुआ है यहाँ पे, और अंदर पाइप भी फिटिंग किया हुआ है इसके अंदर, जो आसानी से आपका जो पाइप रहता है वो इसके अंदर से आसानी से निकल जाता है कंप्लीट। और यहाँ पे इसमें देख सकते हैं अभी इसका स्टील सिंग, ये 16-18 का स्टील सिंग है, इसके अंदर जगह के हिसाब से अपन स्टील सिंग रख सकते हैं इसके अंदर। अभी इसके नीचे का बताता हूँ नीचे कैसे इसका फिटिंग किया हुआ है, और इसकी जो डीप की बात करेंगे तो इसमें अलग अलग साइज़ की डीप आती है, और लाइट और जो हैवी मीडियम ऐसे अलग अलग बेसिंग आते हैं, और अब भी इसमें देख सकते हैं सामने की इसकी डिज़ाइन, इसको डबल बॉक्स का किचन ओटा बोलते हैं, जैसे इसमें देख सकते हैं अभी डबल पट्टी लेके पूरा फुल डाउन मोल्डिंग फिटिंग किया हुआ है इसके अंदर, तो ऐसे किचन ओटे को डबल बॉक्स का किचन ओटा बोलते हैं। इसके अंदर जो रेडीमेड ये पट्टी देख रहे हैं 2 इंच बाई 24 इंच की, ये अलग अलग डिज़ाइन और अलग अलग कलर्स में आती है, उसका फिटिंग कर सकते हैं, इसके अंदर 1 इंची और 2 इंची और
ढाई इंची ऐसी अलग अलग साइज आती है इनकी। ये पूरा इसके अंदर लिया हुआ है कंप्लीट। और नीचे भी अभी बता देता हूँ आपको, इसमें एक सेलअप भी डाले हुआ है और इसके अंदर आप फर्नीचर भी फिटिंग करवा सकते हैं। ट्रॉली सिस्टम अगर करना चाहते हैं अपन तो ट्रॉली सिस्टम भी हो जाता है इसके अंदर। ये सामने का डिज़ाइन इसका पूरा, इसको फुल राउंड मोल्डिंग या धार पॉलिश जैसा चाहिए वैसा कर सकते हैं अपन। अभी इसमें पूरा फुल राउंड मोल्डिंग किया हुआ है और इसमें नीचे देख सकते हैं अभी एक सेलअप डाला हुआ है। ये ऐसा सेलअप भी डाल सकते हैं या फिर इसके अंदर फर्नीचर का ट्रॉली सिस्टम भी कर सकते हैं। अगर सिंपल में किचन वोटा बनाना है अपना, लो बजट है, तो इसके हिसाब से ये सेलअप डाल सकते हैं इसके अंदर। और यहाँ पे भी एक सेलअप डाल सकते हैं इसके अंदर, अपने ऊपर है कैसा सेलअप डालना है या नहीं डालना है, ओनर के हिसाब से सेलअप डाल सकते हैं आप। अभी नीचे का देख सकते हैं इसके अंदर, यहाँ सामने इसमें पूरा सिलेंडर और बेसिंग का दोनों का जगह हो गया है वहाँ पर, और नीचे इसमें आउटलेट है। और इसमें नीचे देख सकते हैं स्टील सिंक जो कड़ापे में पूरा कटिंग करके फिटिंग किया हुआ है। नीचे से पूरा इसको सीमेंट में पैक किया हुआ चारों तरफ से अच्छे से, और बाद में इसको ऊपर ग्रेनाइट फिटिंग कर दिया है। सीमेंट पानी में ग्रेनाइट फिटिंग किया हुआ है पूरा कंप्लीट। और जो वॉल की टाइल लगाते हैं, वॉल की टाइल में थोड़ा अगर केमिकल मिक्स करके फिटिंग करेंगे तो उससे फिटिंग अच्छी हो जाती है आपकी। और साइड से यहाँ पे इसमें फ्रिज रखने की भी जगह है, और यहाँ पे कुछ दो तीन सेल्फ डाले हुए सामान रखने के हिसाब से देख सकते हैं। ये सेल्फ जो कड़ापा स्टोन या ग्रेनाइट के कोई भी पत्थर के डाल सकते हैं आप। ये सेल्फ है इसके अंदर दो। और फ्लोरिंग के अंदर जो टाइल लगी हुई है इसके अंदर, इसका अगर प्राइस का बात करेंगे, जो डबल चार्ज ट्रॉपिकाना वाइट है इसके अंदर, ट्रॉपिकाना बेज और अलग अलग आती है इसके अंदर, तो इसकी प्राइस 35 से 33 या 32 रुपये के आसपास इसकी प्राइस रहती है। और इसकी अगर होलसेल प्राइस की बात करेंगे तो आपको ये कम से कम भी 22 से 23 रुपये इसका होलसेल प्राइस रहता है, जो इसका फैक्ट्री प्राइस है। उसके बाद में इसका जो GST है या फिर इसका जो लोडिंग या अनलोडिंग का जो चार्ज रहता है वो अलग रहता है इसके अंदर, जो 4 से 3 रुपये स्क्वायर फुट से इसका ऊपर गिरता है कंप्लीट। ये बाहर का पोर्सिलिन टाइल्स है, इसका भी प्राइस का बात करेंगे तो सेम ही प्राइस है इसका, 27 से 28 रुपये से आसानी से मिल जाएगा ये 30 रुपये के अंदर अंदर। ये 2x2 का ये टाइल्स टोटल किचन के सामने जो पोर्च होता है पोर्च के अंदर लगाई हुई है कंप्लीट ये टाइल। और भी इसमें डिजाइन आती है अलग अलग, वो भी लगा सकते हैं इसके अंदर भी देख सकते हैं, ऐसा डिजाइन का अगर टाइल लगाते हैं तो कैसा लुक रहता है इसका एक आइडिया ले सकते हैं इस वीडियो से। और भी इसमें 2x4 2x3 ऐसी अलग अलग साइज आती है, 2x2.5 की ऐसी अलग अलग साइज आती है, वो फिटिंग करवा सकते हैं इसके अंदर। और ये देख सकते हैं दो विंडो इसके अंदर, एक विंडो छोटा है और एक बड़ा है इसके अंदर, जो काफ़ी बड़ा है, 8 से 9 फुट का ये विंडो है कंप्लीट। वीडियो और दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। ये पूरा किचन का वीडियो बताया मैंने आपको, वीडियो के एंड में और बता देता हूँ थोड़ा सा, ये वीडियो देख सकते हैं पूरा। और भी ऐसे किचन वोटे की वीडियो हैं जो देख सकते हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर ही पूरा।